Good morning to all my dear students of class 4th. Today I am here to explain you the chapter number 6 of the subject general knowledge. So let's begin now. Kindly open page number 11 of your book, that is chapter number 6. Now let's read what is the name of the chapter. The name of the chapter is guessing time, true or false. यहाँ पे बेटा कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें ट्रू मतलब होता है सही और फॉल्स मतलब होता है गलत. जो स्टेटमेंट सही हैं उनके आगे टिक लगाना है और जो स्टेटमेंट्स गलत हैं उनके आगे फॉल्स लगाना है. यहाँ पे बेटा मैंने पेंसिल से कुछ लिख रखा है जो कि मैं आपको बताऊंगी. आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है. ये मैंने आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे मार्क करी हैं जो मैं एक्सप्लेनेशन टाइम पे आपको बताऊंगी. सो लेट्स बिगिन इट. क्वेश्चन इज स्टडी द गिवन स्टेटमेंट्स. इन स्टेटमेंट्स को हमें पढ़ना है. मार्क अ टिक फॉर द ट्रू स्टेटमेंट्स. टिक करना है उन स्टेटमेंट्स में जो सही हैं एंड अ क्रॉस फॉर द फॉल्स वंस. और क्रॉस लगाना है उन स्टेटमेंट्स में जो गलत है. ठीक है. सो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, द हॉर्न्ड टोड इज नॉट अ टोड बट अ लिजर्ड. ये क्या कह रहा है? हॉर्न्ड टोड, टोड एक ऐसा जानवर जो फ्रॉग की तरह दिखता है, फ्रॉग काइंड. ठीक है. हॉर्न्ड मतलब सींग वाले मेढक. बेसिकली वो मेढक की प्रजाति में नहीं गिने जाते, लिजर्ड की प्रजाति में गिने जाते हैं. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इस पे आप टिक लगा दीजिए. नंबर सेकेंड, द ग्लास स्नेक इज अ लिजर्ड. ये भी स्टेटमेंट एकदम ठीक है. एक स्नेक होती है, स्नेक की तरह दिखने वाली लिजर्ड होती है. आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी हॉर्न टोड, तो उसकी फोटो जब आएगी तो आप देखेंगे वो मेढक की तरह दिखते हैं, लेकिन होते किस प्रजाति होती है, किसकी प्रजाति? लिजर्ड की. उसी तरीके से ग्लास स्नेक दिखने में सांप की तरह लगते हैं, लेकिन होते किस कैटेगरी में है? लिजर्ड की, छिपकली की कैटेगरी में. तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है, इस पे हम टिक लगाएंगे. नंबर थर्ड, द डॉग्स आर शॉर्ट साइटेड एंड कलर ब्लाइंड टू. ये स्टेटमेंट गलत है. डॉग्स कलर ब्लाइंड नहीं होते हैं, उनको दो कलर्स का विजन जरूर होता है. नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में 3 कलर विजन्स होते हैं, लेकिन इनको 2 कलर विजन्स होते हैं, लेकिन वो कलर ब्लाइंड नहीं होते हैं. तो ये स्टेटमेंट गलत है, इस पे आप क्रॉस लगा दीजिए. नंबर फोर, ऑल द मॉथ्स आर कलरफुल एंड बटरफ्लाइज एंड डल कलर्ड. नो, हर बटरफ्लाई आपको डल कलर की नहीं मिलेगी, कुछ कलरफुल भी मिलेगी. तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे ऑल नहीं होगा. अगर ऑल की जगह सम होता तो यहाँ पे स्टेटमेंट सही होता, क्योंकि कुछ बटरफ्लाइज डल कलर की होती हैं. तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑल दिया है, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे. नंबर 5, द मॉकिंग बर्ड्स कैनॉट इमिटेट. मॉकिंग बर्ड्स एक तरीके की बर्ड्स होती हैं. इमिटेट का मतलब होता है जब आप किसी की एक्टिंग उतारते हो या किसी के जैसे सेम बोल लेते हो, जिसको मिमिक्री करना भी कहते हैं. कई बार हम टीवी में देखते हैं कि कुछ एक्टर्स होते हैं जो दूसरे हीरो हीरोइंस की आवाज़ निकाल लेते हैं, तो उसको कहते हैं इमिटेट करना. तो मॉकिंग बर्ड्स जो होती हैं वो इमिटेट कर लेती हैं. क्या इमिटेट कर लेती हैं? साउंड ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों की आवाज़ को वो निकाल लेती हैं, इमिटेट कर लेती हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है? कैनॉट इमिटेट, इसलिए ये गलत है. अगर यहाँ पे होता द मॉकिंग बर्ड्स कैन इमिटेट तो सही होता, लेकिन यहाँ गलत दिया है, कैनॉट इमिटेट. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो पुट अ क्रॉस इन द बॉक्स. नंबर 6, मे फ्लाई इज द लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल. नो, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग. सॉरी, दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सही आंसर होगा बो हेड वेल्स. बो हेड वेल्स जो होती हैं वो लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल है अर्थ में, और यहाँ पे क्या नाम दिया है? मे फ्लाई. तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, इस पे भी आपको क्रॉस लगाना है. नंबर 7, सेल फिश इज द फास्टेस्ट स्विमिंग क्रिएचर इन वाटर. यस, सेल फिश फास्टेस्ट स्विमिंग क्रिएचर होती है वाटर में, इस पे भी आप टिक लगाइए. पीछे आंसर की में इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर गलत दिया है, फॉल्स. सही आंसर है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो यही मिलेगा, तो नंबर 7 में हम टिक लगाएंगे.
Number 8, the squirrel makes a ball shaped nest of leaves to sleep. This statement is wrong. Squirrel क्या होती है? सबने देखा है, आपको ज्यादातर मिलती है ग्राउंड्स में दीवारों पे चलते हुए, राइट? स्क्विरल सबको पता है कि नहीं पता है क्या होती है? स्क्विरल इज कॉल्ड गिलहरी इन हिंदी. तो ये कह रहा है गिलहरी जो है बॉल शेप का अपना घोंसला बनाती है और लीव्स बिछाती है उस पे सोने के लिए. तो बेटा बॉल शेप्ड नहीं, वो राउंड बल्ब के शेप का नेस्ट बनाती है. तो अगर राउंड बल्ब होता तो ये स्टेटमेंट सही होता. बॉल शेप्ड लिखा है तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? क्रॉस. नंबर 9, द ओरिया ओरेक्युलर व्हेल इज इजिली आइडेंटिफाइड बाय इट्स डिस्टिंक्टिव ब्लैक एंड वाइट बॉडी. ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है. ओरिया और किलर वेल होती है जो इजीली हम उसको पहचान लेते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में ब्लैक और वाइट कलर के कुछ डॉट्स होते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज राइट. नेक्स्ट, अ काउज स्टमक हैज नो चैम्बर्स. ये क्वेश्चन गलत है. अगर यहाँ पे होता द काउज स्टमक हैज चैम्बर्स तो हम यहाँ पर टिक लगाते क्योंकि काउज के स्टमक में चैम्बर होता है. यहाँ पे नो दिया है तो दिस इज रॉन्ग. वी विल पुट अ क्रॉस ऑन इट. नंबर 11, द लेमिंग इज अ स्मॉल माउस लाइक एनिमल दैट लिव्स इन टुंड्रा रीजन. यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट. लेमिंग एक माउस की प्रजाति है जो कि टुंड्रा रीजन में रहते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज राइट. पुट अ टिक ऑन इट. लास्ट स्टेटमेंट नंबर 12, द एल्बेट्रॉस इज द लार्जेस्ट सी बर्ड इन द वर्ल्ड. इट लिव्स इन एंटार्क्टिका. यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. एल्बेट्रॉस जो है वो लार्जेस्ट सी बर्ड है पूरे वर्ल्ड में जो कि एंटार्क्टिका में रहती है. पुट अ टेक ऑन इट. ठीक है, इस चैप्टर को बेटा बुक में आप कंप्लीट कर लेंगे. कॉपी में आपको इस चैप्टर का कुछ भी नहीं लिखना है. ये नॉर्मल एग्जाम में, टेस्ट में भी इसी तरीके से आएगा, ट्रू फॉल्स की तरीके से. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास. टुडेज चैप्टर 6 इज फिनिश्ड नाउ. थैंक यू वेरी मच.